सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। स्वागत है आप लोग का मेरी एक और तपाई जड़ में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं AFX थंबनेल। तो भाई AFX थंबनेल जो होता है वो बहुत प्रोफेशनल यूट्यूबर यूज़ करते हैं ताकि वीडियो बहुत अट्रैक्टिव लगे, इसलिए वो यूज़ करते हैं ताकि व्यूअर्स उनकी वीडियो को देख के अट्रैक्ट हो जाए। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जैसे आप देख सकते हैं मैंने ये थंबनेल बनाया, कितना प्यारा थंबनेल लग रहा है। ये AFX थंबनेल बनाने के लिए आपको सिर्फ एक ऐप की ज़रूरत है और उस ऐप का नाम है पिक्सल लैब। जी हाँ गाइस, पिक्सल लैब से आप बहुत ही बढ़िया बढ़िया थंबनेल बना सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा, आज पूरी डिटेल वीडियो है ये। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि थंबनेल कैसे बनाएं। थंबनेल की भी हो जाएगी और AFX थंबनेल की भी हो जाएगी, दोनों में अंतर है गाइस। जी हाँ, दोनों में अंतर है। थंबनेल जो होते हैं वो नॉर्मल थंबनेल बहुत सिंपल होते हैं, मतलब ज़्यादा उनमें कुछ होता नहीं है। लेकिन जो AFX थंबनेल होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट के पीछे जैसे ग्लो आ रहा है तो वो आ सकता है। तो भाई आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू मेक AFX थंबनेल ऑन एंड्रॉइड। तो देखते हैं कैसे थंबनेल हम बना सकते हैं काफी आसान तरीके से। सो रोल द इंट्रो। सो गाइस, अब हम थंबनेल बनाने के लिए हम आपको सीधा अपने टैबलेट की स्क्रीन पे लेके चलते हैं। सो गाइस, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने पूरा जैसे आज शुरू करेंगे पूरा वैसे ही आपको करके दिखाऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत ना पड़े। आपके सामने सब स्टिकर डाउनलोड करूंगा, सब कुछ करूंगा। स्टिकर की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जैसे स्टिकर जो यूज़ होंगे AFX के लिए वो सब कुछ मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो अब देखिए हमें करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम गए पहले प्ले स्टोर पर जाना है। हमें प्ले स्टोर पर जाने के बाद हमें क्या करना है गाइस, हमें यहाँ पे सर्च करना है पिक्सल लैब। ये देखो पिक्सल लैब आ गया है यहाँ, ये गाइस दिस वन, ये वाला आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको मैं दिल से डाउनलोड कर लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है। तो अब मैं इसको ओपन कर लूंगा, यहाँ से ओपन कर लिया है मैंने। अब हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ये जो बैकग्राउंड है हमारा, इस बैकग्राउंड को हमें नया लेना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ्रॉम गैलरी सिलेक्ट करेंगे। सो गाइस मैंने एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले लिया है अपना। तो इस पे ये हमारा गाइस बैकग्राउंड देख सकते हैं आप आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ पहले डिलीट, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब गाइस हमें क्या करना है, हमें जाना है गैलरी वाली इमेज पे और हमें स्टिकर डाउनलोड कर लेना है गाइस। स्टिकर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करते हैं, चिंता मत करिए। तो ये हमारा एक स्टिकर आ चुका है यहाँ पे, और अब हम इसको अपनी इमेज के हिसाब से सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ हमें जाना है गाइस मोर वाले ऑप्शन पे और हमें इमेज साइज पे क्लिक करना है। और यहाँ से हमें इसको पहले ही कर लेना यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक कर देना और ओके कर लेना है। अब गाइस हमें यहाँ पे इसको पूरा इस पे लाना है अच्छे से, ये वैसे आ गया, ठीक है आ चुका है। वैसे ओपेसिटी पे जाके इसको हमें कर देना है 14-15% कर देता हूँ, 15% कर दिया मैंने, इतना कर दिया। सो गाइस इतना करने के बाद हमें गाइस हमें अपने ऑब्जेक्ट के सामने टेक्स्ट निकलना है थंबनेल से, और फिर हमें क्या करना है गाइस, हमें इस टेक्स्ट को थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। और अब गाइस अब हमें अपने हिसाब से इसको ऐसे करके हमें एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। इसके बाद हमें ओपेसिटी पे जाना है, इसको इनेबल कर देना है हमें। उसके बाद गाइस हमें जाना है शेडो पे, और शेडो के बाद जाके हमें शेडो को इनेबल कर देना है, और हमें ब्लर रेडियस को 150 कर देना है, आउटर ग्लो को इनेबल कर देना है, और हमें इसको कर देना है रेड कलर में। रेड कलर में कर दिया, और गाइज हमें अपने हिसाब से गाइज ऐसे हमने कर लिया है। तो अभी हमारा थोड़ा बहुत अच्छा हो चुका है हमारा टेक्स्ट। और गाइज अब हम क्या करेंगे, अब गाइज हमें क्या करना है, अब हमें इनर शेडो को भी इनेबल कर देना है और इसको हमें कर देना है रेड कलर में। तो इसके बाद हमें जाना है लेयरिंग के ऑप्शन पे, और हमें इस पे थंबनेल के इस पे क्लिक करके हमें इसकी कर देनी है एक कॉपी। हमने गाइस इसकी ही एक सेम कॉपी कर ली है। अब हमें क्या करना है गाइस, हमें शेडो को कर देना है डिसेबल, और अब हम गाइस क्या करेंगे, अब हम इसी को इसी के सामने बिल्कुल रख कर दोनों की करनी है गाइस, हमें दोनों की इस
स्टेबल कर दिया गाइस मैंने। गाइस अब हमें क्या करना है, अब हमें स्ट्रोक पे जाना है। अभी हम जाएंगे स्ट्रोक पर। स्ट्रोक कहाँ है, स्ट्रोक कहाँ है, कहाँ गया स्ट्रोक। अभी हम स्ट्रोक पे गए और इसको कर देना हमें इनेबल और इसको कर देना हमें वाइट। मैंने उसको वाइट कर दिया है। अब गाइज हमें जाना है कलर्स पे। कलर पे गए हम। अब हमें इसको कर देना है गाइज ट्रांसपेरेंट। हमने गाइज इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो गाइज उसे ट्रांसपेरेंट पे करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने थंबनेल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लाएंगे और इस ट्रांसपेरेंट जो हमने किया है उसको उसको बिल्कुल उसी के उस पर बिल्कुल सेट करके रख देंगे। ठीक है, इतना कर लिया, अच्छी बात। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो पीछे वाला थंबनेल है उसको हमें क्या करना है, देख सकते हैं आप, ये हमारा हो चुका है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से ये हमारा हुआ। और गाइज अब हमें क्या करना है, अब हमें देख सकते हो हमारे बैकग्राउंड में थोड़ा वो लाल जो हमारा बैकग्राउंड का आउट वाला है वो हमें दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने बैकग्राउंड पे बैकग्राउंड वाले पे और इसको एडिट करके हम आउटर शेडो वाइट कर देंगे। गाइज हम आउटर शेडो हमारा वाइट कर देंगे और ब्लर रेडियस हम बहुत कम कर देंगे और कुछ इस तरह से हम करेंगे, इस तरह से हमारा होगा ये। और हमारा थंबनेल देख सकते हो लिखा आ रहा है। अभी जो हमारा पीछे है हम उसको स्ट्रोक्स पे जाएंगे। अभी हम इसको जाएंगे शेडो पे, इनेबल करेंगे, इसको डिसेबल करेंगे, ऑफसेट को हम जीरो रहने देंगे गाइस। तो आप देख सकते हैं इतना हमारा हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है अभी हमें। अब हमें गाइज अपनी बॉडी सिलेक्ट करनी है। बॉडी सिलेक्ट करके अब हमें जाना है गाइज स्ट्रोक्स पर, इसको इनेबल कर देना है और स्ट्रोक्स विथ हमें करनी है जीरो और इसको हमें कर देना है ब्लैक, रेड कर दो। चलो देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसको हम यहाँ ले आए, ये जो है इस पर क्लिक किया, चलाएंगे और कुछ इस तरह से करते सेट। ठीक है गाइस, और अभी आप देख सकते हैं ये लाल लाल अभी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मैं इस लाल वाले को गाइस हटा दूंगा, जैसे हटाऊंगा देखो भाई अभी हटाता हूँ। और गाइस मैं इनर शेडो है जो मेरी उसको भी गाइस मैं पूरा हटा दूंगा। गाइस कुछ इस तरह से हमारा हो चुका है थंबनेल का टेक्स्ट हमारा रेडी। इसको मैं लॉक कर दूंगा दोनों को ताकि ये मूव ना हो। अब गाइस हमें क्या करना है, अब मैं गाइस स्टिकर पे जाऊंगा और फ्रॉम गैलरी पे जाके ये रेड कलर के जो स्टिकर मैंने डाउनलोड कर रखे हैं मैं इन्हें अपने इसमें लाऊंगा। देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से मैं इन्हें लाऊंगा और इस साइड रख दूंगा ऐसे और इसी को ही कॉपी करके भी मैं इसकी करूंगा एक कॉपी, यहाँ ऐसे रख दूंगा इन्हें और एक और कॉपी करेंगे गाइस। ओह शिट, डिलीट कर दिया मैंने गलती से। अभी गाइस एक और कॉपी निकाल लेंगे इसकी, यहाँ रखेंगे उसे और गाइस एक और कॉपी निकालेंगे इसी तरीके से। ये गलत कर दिया मैंने थोड़ा, कोई बात नहीं। देख सकते गाइस अभी के लिए तो हमारा जो नेल है कुछ ऐसा लग रहा है। अभी एक और टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा मेरे को लिखने के लिए, ऑन एंड्रॉयड, ऑन एंड्रॉयड लिखना पड़ेगा गाइज अभी मेरे को, ऑन एंड्रॉयड ये मैंने लिखा यहाँ, स्पेलिंग गलत हो गई, ऑन एंड्रॉयड कुछ इस तरह से। और मैं इसका भी फंड वही सेम रखूंगा जो मैंने रखा था कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप हमारा होगा। और फिर थोड़ा बहुत और अच्छे से करने के लिए हम क्या करेंगे गाइस, अब गाइस हम क्या करेंगे, अब गाइस हम थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए बिजली वाला इफेक्ट करेंगे। बिजली वाला तो मैं अभी इस पहले इसको हटाता हूं मैं। अभी मैं क्लिक करता हूं प्लस वाले आइकन पे और फ्रॉम गैलरी पे सिलेक्ट करके बैकग्राउंड रिमूव वाली फोटो यहां आ चुकी है। अब मैं इस पे से क्लिक कर दूंगा
और गाइस अब मैं इसको से पूरे पे लाऊंगा और इसको ऐसे करके इसको ला दूंगा सबसे नीचे कुछ इस तरह से पीछे, अपनी बैकग्राउंड के पीछे कुछ इस तरह से ला दूंगा और कलर इसका मैं चेंज कर दूंगा गाइस, ग्रेडियंट में करूंगा चेंज इस तरह के साथ देखना, जैसे कि मैं चेंज कर दूंगा गाइस कलर इसको मिलाऊंगा गाइस। अरे ये हो गया, इसको गाइस मिलाऊंगा गाइस, इन्हें पहले मैंने लॉक कर दूंगा, दिमाग खराब कर रहे हैं मेरा। अब गाइस इसको मैं लाऊंगा इसके पूरे इस पर और कुछ इस तरह से मैं पूरा इसको कर लूंगा, जो ये सबसे नीचे वाला है मैं इसको सबसे नीचे रखूंगा ताकि वो इफेक्ट आए ना भाई, इफेक्ट आती है। अब मैं गाइस इस हमारे लाइटनिंग को कर दूंगा लॉक, इस तरीके से मैं इसको लॉक कर दूंगा यहाँ पे, और लाल वाला है इसको थोड़ा अनलॉक करके इसको मैं लाऊंगा कुछ इस तरह से और लॉक कर दूंगा, और कुछ इस तरह से हमारा थंबनेल आप देख सकते हैं तैयार हो चुका है, इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ। सब लॉक गाइस और अब देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरह से हमारा थंबनेल हो चुका है रेडी, और देख सकते हैं बहुत अच्छा थंबनेल बनाया हमारा। अब मैं इसको क्या करूंगा गाइस, इसको मैं कर दूंगा सेव इस तरह से, सेव एज इमेज और सेव टू गैलरी इसको कर दूंगा मैं, और हमारा थंबनेल गाइस गैलरी में आ चुका है, और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा थंबनेल हमारा बना है। इसको आप अब आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आज आपने देख लिया कि कैसे आप EFX थंबनेल बना सकते हैं एंड्रॉइड से सिर्फ वो भी एक ही ऐप से, पिक्सल ऐप। स्टिकर्स डाउनलोड करने के लिए आपको बस पिक्सआर्ट यूज करना पड़ेगा और अपने ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी होगी तो भाई लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको मेरी अगली ऐसी दबाएदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।